पीएम मोदी आज करेंगे हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस का उद्घाटन। 115 देशों के 550 से ज्यादा प्रतिनिधि की होगी भागीदारी। जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा स्थिति की करेंगे समीक्षा। वैष्णो देवी मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। राजस्थान कांग्रेस में कलह जारी, आज विधायकों से मिलेंगे सीएम अशोक गहलोत, चुनाव को लेकर करेंगे मंथन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कसी कमर, आज मनीष सिसोदिया आएंगे शिमला, कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। गुजरात में चुनावी सरगर्मियां तेज, कांग्रेस का उम्मीदवार को लेकर मंथन जारी, जल्द जारी करेगी पार्टी लिस्ट। दुबई में आज होगा हिंदू मंदिर का भव्य उद्घाटन, यूएई मंत्री, भारतीय राजदूत समेत अधिकारी होंगे शामिल, लोगों ने जताई खुशी। दिल्ली के प्रगति मैदान में 1 अक्टूबर से चल रहे इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आज समापन। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोबाइल कांग्रेस में ही देश को 5G मोबाइल का किया था शुभारंभ। त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, दशहरा और दिवाली पर चलेंगी अतिरिक्त ट्रेनें, बिहार और यूपी के लोगों को होगा फायदा। दिल्ली NCR में बदला मौसम, आज हो सकती है बारिश, पहाड़ी राज्यों पर गिरेगा तापमान। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज होगा इंदौर में मुकाबला, T20 मैच के लिए दोनों टीमें होंगी आमने सामने, होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला।